लोग सामने लाएंगे, लेकिन हमारे एक मेहमान है उबैदुर्रहमान साहब, जिनके बारे में मैंने बताया रहमान स्टडी चलाते हैं, जो बिहार में 30 बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए, उनको कंपटीशन के तैयार करने के लिए उनको आगे लाते हैं। तो उन्हें चूंकि जाना है और बहुत जरूरी काम है, तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप आए और बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चे कैसे आगे आएंगे, उनकी सलाहियत कैसे आगे आएगी, उसके बाद हम बच्चों को मौका देंगे। रिजवान अहमद फलाही साहब, नौकरशाही.com के इरशाद साहब, राशिद नैयर साहब, फैसल साहब, गनी साहब और तमाम साथी जो डाइस में मौजूद हैं, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जो सेमिनार किया जा रहा है और नेशनल इंटीग्रेशन, इस पर बात करने के लिए बुलाया गया है आपको, मैं इरशाद साहब को इसके लिए बहुत ज्यादा मुबारकबाद देता हूं कि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें बात करने के लिए जो फ्यूचर जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो आप हैं, आप ही में से बच्चे आगे बढ़ के लीडर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, तो वो अपनी बात कैसे रख सकते हैं, उनके जहन में क्या बात है, कैसे उनकी बातों को फॉरवर्ड आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए एक अच्छा फोरम इन्होंने दिया है। मैं चुके उन्होंने मुझसे कहा कि आप कुछ मोटिवेशनल बातें बच्चों को बताइएगा। मैं जब यहां बैठा था तो मैंने गौर किया कि बच्चे जितने हैं यहां सारे के सारे टैलेंटेड हैं, सब बोल सकते हैं, और जब वो किसी बच्चे को बुला रहे होंगे तो जो टॉपिक वो दे रहे होंगे वो बच्चा अपने जहन में काफी कुछ उसकी तैयारी कर रहा है, लेकिन वो यहां तक नहीं आ रहा, वो एक झिझक है जो उसको रोक देती है यहां तक आने के लिए। जैसे ही वो झिझक आपके अंदर से टूट जाए बच्चों, आप आगे यहां तक आ सकते हैं। और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, जो आप सोच रहे हैं उस सोच को यहां आकर के आपको बोलना है और लोगों तक पहुंचा देना है। मैं दो मिसाल आपके सामने देना चाहता हूं। अभी कुछ देर पहले थॉमस एडिसन के बारे में आप बातें कर रहे थे। दुनिया में दो लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से आज मॉडर्न वर्ल्ड में ये जो तरक्की, ये जो चीजें आप देख रहे हैं, इन दोनों ने कुछ मैसेजेस भी दिया है। थॉमस एडिसन के बारे में जानते हैं आप लोग कि वे जब आपके जैसे स्टूडेंट थे छोटे, तो उनको स्कूल ने निकाल दिया था, एडमिशन नहीं दिया था, तो उसकी मां ने जो लेटर आया था उस लेटर को अपने पास रख लिया और बच्चे को यह कहा कि स्कूल ने यह कहा है कि तुम इतने टैलेंटेड हो कि इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते। उसने नेगेटिव नहीं सोचा, जो स्कूल ने रिजेक्ट किया था उसको पॉजिटिव में बदल दिया। उस बच्चे को लगा कि नहीं, मैं वाकई इस भीड़ से अलग हूं तो मैं कुछ कर सकता हूं, और उसने वजह से दुनिया में सारी तरक्कियां, नया इलेक्ट्रिक अगर ना होता तो दुनिया की बहुत सारी तरक्की रुक जाती। दूसरा, एक बच्चे ने कहा कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूं, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट, जब इनको आईबीएम ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी जो उस जमाने में आए कंप्यूटर की सबसे बड़ी कंपनी थी, उसने जॉब दिया, जब उसने पीसी बनाने के लिए सोचा कि मैं पर्सनल कंप्यूटर बनाऊंगा, तो उस पर्सनल कंप्यूटर को बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए बिल गेट को दिया। बिल गेट के बारे में भी लोग कहते हैं कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट, लेकिन कॉलेज ड्रॉप आउट का मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ने में
अच्छा नहीं था। उन्होंने कहा मैं उन लकी लोगों में से हूं जिन्होंने बिल गेट को रूबरू सुना है। बिल गेट ने कहा कि मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉन में दिल लगता था, मैं सिर्फ एक ही चीज पढ़ना जानता था, मैं बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो जाता था। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की पढ़ाई की वजह से, जंग की वजह से उसने आज दुनिया में कामयाब किया, कामयाबी दिखाई और बहुत सारे लोगों को कामयाब किया। तो जब बिल गेट को यह ऑफर दिया गया कि आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाइए जिसका नाम पहले उसने IBM PC-DOS रखा, पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उस वक्त उन्होंने ये कहा कि ये जो सॉफ्टवेयर मैं बना रहा हूं इसकी एक राइट्स मैं अपने पास रखूंगा। और फिर उसी को माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट ने डिस्क ऑपरेटिंग MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से पहला लॉन्च किया और आप उसके पास से मुड़ के नहीं देखा है। उसने दुनिया को यह दिखाया कि आपको कामयाब होने के लिए कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर होने की जरूरत नहीं है, आप ब्रेन से आगे बढ़ सकते हैं। और आज के डेट में दुनिया में ऐसे हजारों मिसालें हैं जिन्होंने सिर्फ बंद कमरे में एक कंप्यूटर में एक रूम में एंटरप्रेन्योर बने हैं और बिलियनेयर हुए, फ्लिपकार्ट के हो, माइक्रोसॉफ्ट के हो, यूएल हो और न जाने कितने लोग हैं, ये सभी भारतीय है जिसने हॉटमेल बनाया। ऐसे न जाने नारायण मूर्ति है, ऐसे वो तमाम एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे वो तमाम लोग, इन्होंने इनके पास पैसे नहीं थे लेकिन ब्रेन था। तो दुनिया को चेंज किया इस बल्ब ने और इलेक्ट्रॉन ने, मैं कंप्यूटर के इजाद ने, बैबेज ने, चार्ल्स बैबेज ने जिसने आपने पढ़ा होता, चार्ल्स बैबेज जिसने कंप्यूटर बनाया। अगर दो ऐसी इजाद है दुनिया में इस मॉडर्न वर्ल्ड में जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया और लोगों को यह बताया कि आप आगे बढ़ सकते हैं, ये ब्रेन का जमाना है, मेहनत करेंगे जितना आप आगे बढ़ जाएंगे। तो बच्चों आप कुछ जिस टॉपिक के लिए मेरे साथ साहब ने बुलाया है, मैं जानता हूं आपने सबने चैलेंज किया। जब माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट जो कॉलेज ड्रॉप आउट से वो दुनिया में इतना बड़ा नाम कर सकते हैं, रेगुलेशन ला सकते हैं, मार्गेटल थॉमस जिसको स्कूल ने हटा दिया था और उसकी मां ने उसको यह कह के कहा कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, उस कॉन्फिडेंस ने दुनिया के बक्शे को बदल दिया। आप भी अगर अपने अंदर वही कॉन्फिडेंस ले आएंगे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि न सिर्फ आप अपने घर का, अपने स्कूल का, अपने शहर का, अपनी कौम के लिए भी बहुत बड़ी चीज बन करके दिखा सकते हैं, दे सकते हैं। तो सिर्फ जरूरत इस बात की है कि वो खौफ, डर आप अपने अंदर से निकाल दें। और दूसरी चीज, तीसरी चीज, एक बादशाह ने कहा कि कामयाब लोगों को एक किताब लिखी जाए। लोग लग गए कई सौ पन्नों में, हजारों पन्नों में स्टोरी लिखी, बादशाह ने कहा कम करो, फिर उसको 200 पेज 500 पेज मिला है, थोड़ा और कम करो। फाइनली चूंकि वक्त कम है मैं मुख्तसर में बात करके खत्म करूंगा बात, फाइनली 50 पेज में लेके गए। बादशाह ने कहा यह भी बहुत ज्यादा है, लोगों ने कहा अब इससे कम नहीं हो सकता। उसने पेन उठाया और लिख दिया हार्डवर्क, कामयाबी सिर्फ हार्डवर्क से होती, एक ही सूत्र है उसका, हार्डवर्क, ईमानदारी के साथ। पढ़ने के लिए अगर आप बैठते हैं तो दो घंटा सिर्फ अपने लिए पढ़िए, आप कामयाब हो जाए। लेकिन अगर आप 10 घंटा किताब खोल करके आपके जहन में कुछ और चल रहा होगा, गेम चल रहा होगा, वो बेकार है। अगर आप 2 घंटा भी देते हैं अपने लिए आप कामयाब हो जाए। तो हार्डवर्क एक ही सूत्र है कामयाबी का, हार्डवर्क, हार्डवर्क, हार्डवर्क। That's all. Thank you very much.